नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजातरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। बगोदर प्रखंड के जरमू ने पश्चिमी पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव को एसीबी की टीम ने किया गिरफ्तार। ठेकेदार से 8,000 की रिश्वत लेते दबोचे गए दोनों। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के जिला अध्यक्ष प्रीति भास्कर को मुफस्सिल थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। थानेदार ने भास्कर दंपत्ति पर लगाए कई आरोप। जमीन विवाद सुलटाने पहुंची थी थाने। खाद्य सामग्री का पास लगाकर की जा रही थी मवेशी तस्करी। कंटेनर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद हुआ खुलासा। और एसेक्ट विश्वविद्यालय ने कोविड-19 की जानकारी और बचाव के लिए बनाया पाठ्यक्रम। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से पाठ्यक्रम है अप्रूवल। अब खबरें विस्तार से। बगोदर प्रखंड के जरमू ने पश्चिमी पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव को एसीबी की टीम ने 8,000 रिश्वत लेते धर दबोचा है। सड़क निर्माण के बाद राशि भुगतान के लिए ठेकेदार से रिश्वतखोरी में एसीबी ने यह कार्रवाई की है। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के जरमुने पश्चिमी पंचायत के मुखिया शंकर पटेल और पंचायत सचिव अवधेश कुमार यादव को एसीबी की टीम ने 8,000 रिश्वत लेते धर दबोचा है। मुखिया और पंचायत सचिव सड़क निर्माण की राशि भुगतान के लिए ठेकेदार से रिश्वत ले रहा था। मामले की शिकायत ठेकेदार ललित कुमार पासवान ने एसीबी से की थी। शिकायत के बाद धनबाद एसीबी की टीम की दंडाधिकारी दीपमाला, डीएसपी अशोक गिरी और एसआई ने 8,000 रुपए रिश्वत लेते मुखिया और पंचायत सचिव को रंगे हाथों धर दबोच लिया। न्याय के लिए थाना पहुंची अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ की जिला अध्यक्ष प्रीति भास्कर पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए मुफस्सिल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच एसडीपीओ कुमार गौरव कर रहे हैं। एक जमीन विवाद सुलझाने मुफस्सिल थाना पहुंची अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ की जिला अध्यक्ष प्रीति भास्कर और उनके पति निशांत भास्कर को मुफस्सिल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने प्रीति भास्कर और निशांत भास्कर पर फर्जी संगठन चलाने और थाना में आकर हंगामा करने और पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने, तोड़फोड़ करने जैसे कई गंभीर आरोप मड़े हैं। कुरुंदिया में तीन भाइयों के बीच जमीन का झगड़ा है, जिसमें दो भाई गुंगा है और एक भाई नहीं। उसमें परसों भी एक यहाँ हुआ था, पंचायती हुआ था और उसमें कई मुखिया लोग आए थे। मुखिया लोग के बीच में भी आ गई थी और हल्ला हंगामा की। आज अचानक ही पहुँच गई, अपने आप को बताती है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, अपने हस्बैंड के साथ आई और हमसे पूछी कि आप किस हैसियत से उस जमीन पर गए। हम बोले कि हम थाना प्रभारी की हैसियत से गए और जहां से शिकायत आती है वहां जाते हैं, लोगों को न्याय देते हैं। हम जो गए आज तो न्यायोचित कार्रवाई किए, उसी पर हम कह गए आवाज़ नीचे करके बात करो, कलर पकड़ लो। अगल बगल के जितने भी अफसर थे उसको बीच बिताव करने आए। बीच बिताव करने के बाद पुरुष लोग तो हट गए, बेचारी महिला दोनों एएसआई के साथ मारपीट की, झोटा झोटी की, दांत काट ली, मैंने पूरा ऑफिस का कुर्सी टेबल उलट दी, कागज पत्र को ये कर दी। एक गंभीर मामला है, फर्जी मामला, फर्जी संगठन चला करके फर्जी संगठन के आड़ में लोगों से पैसा उगाही करने का काम करती हैं और पुलिस पर दबाव बनाती हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? कान अंकित किया जा रहा है, पुलिस कार्य में बाधा और फर्जी संगठन बनाने के और पुलिस के साथ मारपीट करने का कान अंकित करके इनको जेल भेजा जाएगा, इनका कार और सब सीज करके सीज किया जाएगा। फिलहाल थाना प्रभारी ने दोनों पति पत्नी को थाने में ही रखा है। पुलिस कस्टडी में रहने के कारण दोनों पति पत्नी मानसिक रूप से परेशान दिखे और कुछ भी बताने में असमर्थ रहे। बताया जा रहा है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुरुमडीहा में राम प्रवेश वर्मा और लक्ष्मी प्रसाद वर्मा के बीच पारिवारिक जमीन विवाद चल रहा था। दो दिन पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ की जिला अध्यक्ष प्रीति भास्कर और मुफस्सिल थाना प्रभारी ने संयुक्त रूप से बैठक कर हल निकालने का प्रयास किया था।
इसी मामले में वह गुरुवार को भी थाना पहुंची थी, जिसके बाद यह मामला सामने आया है। जमीनी विवाद को तय करते हैं? नहीं, जमीनी विवाद नहीं, यही काम करते हैं। आपके गाड़ी में बोर्ड लगा हुआ है, किस चीज का बोर्ड? मानव अधिकार संघ का। कहाँ है अस्तित्व? अभी कुछ नहीं बोल रहे, बोल रहे हैं हम लोग। अभी 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 हम लोग जिस तरह से बिहेव किया गया है थाने के अंदर, थाने में किस काम से आए थे? किसी काम से आए होंगे ना थाना? जमीन विवाद के लिए? तो आप लोग जमीन विवाद के लिए क्या करने आए थे थाना? जमीन विवाद में हम लोग हर तरह का काम करते हैं, जहाँ पे मानव के अधिकार का हनन होता है। तो आप लोग मानव अधिकार से हैं? समाज सेवी का। गाड़ी में आपके बोर्ड लगा हुआ है मानव अधिकार का? हाँ, तो समाज सेवा का ही काम करता है मानव अधिकार। तो कहाँ का संगठन है ये? कुछ नहीं हुआ है, मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं हूँ, प्लीज मुझसे कुछ नहीं पूछिएगा, मैं बात में बात करता हूँ। बहरहाल मुफस्सिल थाना प्रभारी द्वारा दंपत्ति पर लगाए गए आरोप की सच्चाई पर फिलहाल SDPO कुमार गौरव जाँच कर रहे हैं, लेकिन थाना में हुआ यह हंगामा काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग के तेरियामो के पास मवेशी लदा कंटेनर दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 मवेशियों की मौत हो गई। कंटेनर में 25 मवेशी लदा था। दुर्घटना के बाद कंटेनर चालक फरार हो गया। पशु तस्कर मवेशियों के तस्करी के लिए नए नए जुगाड़ लगाते रहते हैं। जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग के तेतरियानो में कंटेनर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पशु तस्करों की नई चाल का खुलासा हुआ है। दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर में प्याज की बोरियों के बीच पशु तस्करी का खेल का खुलासा हुआ है। कंटेनर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि कंटेनर में लदे 20 मवेशियों को गंभीर चोट आई है। घटना के बाद वाहन चालक और खलासी फरार हो गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही जमुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर वाहन को जब्त कर लिया है और सभी मवेशियों को गौशाला भेज दिया है। 6 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक छोटा कंटेनर जो है से उसका टायर जो है से खुल के फेंका गया और वह क्षतिग्रस्त हो गया है। उस सूचना को पा करके हम लोग जमुआ थाना से यहां पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे कि कंटेनर के ऊपर में जो है से प्याज का बोरा लदा हुआ है और नीचे लगभग 25 जानवर थे, जिसमें से 5 जानवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गया और बचे हुए जानवर को हम लोग गौशाला भेजने की प्रयास कर रहे हैं तथा इस मामले की छानबीन हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा बरमसिया चिल्ड्रन पार्क में गुरुवार को शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में बैरमो विधायक राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। ईटक के राष्ट्रीय महामंत्री व बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह की निधन से गिरिडीह जिला कांग्रेस के लोग मर्माहत हैं। गुरुवार को गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी ने बरमसिया चिल्ड्रेन पार्क में शोक सभा आयोजित कर दिव्यांग आत्मा को श्रद्धांजलि दी। मौके पर कांग्रेस नेता नरेंद्र सिंह छोटन, नवीन आनंद, संतोष राय, मोहम्मद शकील, साहब खान, विकास खान आदि कांग्रेसी नेताओं ने बाबू राजेंद्र सिंह के तस्वीर पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रख कर दिव्यांग आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी किया। गरीबों के मसीहा स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को हम लोग आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा कि 24 तारीख को उनका निधन हो गया था दिल्ली का फोर्टिस हॉस्पिटल में। जब तक अग्नि संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार नहीं हो जाता है तब तक हम लोग श्रद्धांजलि नहीं दे सकते हैं। तो जब ख़त्म हो गया उसके बाद आज हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित किए। जैसे आप लोग जानते हैं उनके बारे में ज़्यादा कहना सूरज को दिए दिखाने के जैसे है। उन्होंने गरीबों को एकत्रित करके जो उनका हक है पूरे मजदूर वर्ग में, वह एक अविस्मरणीय है जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। उनका अभी हाल फिलहाल का एक काम था फीमेल VRS कोल इंडिया में, जो इन्होंने लड़ के लागू करवाया, यह उनका एक ऐतिहासिक योगदान है मजदूरों के हित में। उन्होंने आजीवन मजदूरों के हित के लिए लड़ाई लड़े हैं और उन्हीं के लिए जीते थे, उन्हीं के लिए मरते थे। इसीलिए उनके अंतिम संस्कार में बेरमो में
लाखों की संख्या में लोग जुटे और श्रद्धांजलि अर्पित किए। हम लोग इंटक परिवार गिरिडीह की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि देवलोक में उनको स्थान मिले। इंसान जन्म लेके मर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी यादें भी मिटने लगती हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे जन्म लेते हैं जो अपने कर्मों से खुद को व्यक्तित्व बनाते हैं। राजेंद्र बाबू उन्हीं शख्सों में से एक थे जिन्होंने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, अपनी जनता के लिए दिन रात सेवा किया। समर्पित ढंग से कभी भी कोई भी व्यक्ति जो उनके पास पहुंचा हो और उनका समस्या का समाधान ना हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे व्यक्ति को मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। और राजेंद्र बाबू नहीं रहे लेकिन उनकी यादें, राजेंद्र बाबू बाखुद हम लोग के दिलों में हमेशा जिंदा रहे। नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा में करंट लगने से बानर की मौत हो गई। मृत बानर को स्थानीय लोगों ने विधि विधान से दफना दिया। नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा में गुरुवार को करंट लगने से घायल एक बानर की मौत इलाज के दौरान हो गई, जिससे स्थानीय लोगों काफी मर्माहत हो गए। स्थानीय लोगों ने वार्ड परिषद के सहयोग से मृतक वानर का दस संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया। लोगों ने वानर के मृतक शरीर को उसरी नदी के तट पर दफना दिया और सम्मानित से वानर को हनुमान जी का रूप मानते हुए एक मंदिर निर्माण करने का भी संकल्प लिया है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। कल हनुमान जी का 11,000 बिजली से उसमें करंट लग गया और काफी घायल हो गए थे हनुमान जी। उनको कल मोहल्ला का सारे लड़का लोग उठा के मवेशी अस्पताल गिरिडीह ले गए। वहाँ इनका सलाइन हुआ, दवा हुआ, सिलाई टाका पड़ा और इलाज के बाद कल रात में हनुमान जी का देहांत हो गया, जिससे अभी सभी मोहल्लावासी पूरे विधि विधान से बरगंडा साईं मंदिर के पीछे उनका अंतिम संस्कार के लिए लाए हैं और यहाँ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और हम सभी मोहल्लावासियों का प्रयास होगा कि इस जगह पे एक नया भव्य हनुमान जी का मंदिर निर्माण हो। बजरंगबली को करंट लगा था बरगंडा रेखा झा घर के पास, तो वहाँ पे से हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में पानी चढ़वाएं, इंजेक्शन लगवाएं, वहाँ से फिर नए हो जाने के बाद घर लेके आए, तो घर में डॉक्टर बोले थे कि 24 घंटा की स्थिति देखते हुए जैसा होगा उसे बताना। तो उसके बाद 9 बजे रात को अचानक बजरंगबली बकाने लगे, इसी कारण डेट कर गया। यहाँ पे स्थापना भी होगा मंदिर का, बजरंगबली मंदिर का, साईं मंदिर के पीछे। रोटरी क्लब गिरिडीह गेटर द्वारा प्रवासी मजदूरों के बीच भोजन सामग्री बांटा गया। हाई स्कूल मैदान में ग्रेटर के लोगों ने प्रवासी के बीच भेज बिरयानी और पानी का बोतल वितरण किया। रोटरी क्लब गिरिडीह ग्रेटर द्वारा गुरुवार को प्रवासी मजदूरों के बीच भोजन सामग्री का वितरण किया गया। रोटरी ग्रेटर के सचिव विकास सिन्हा, विकास शर्मा, राणा समंता, राजेंद्र तरवे, मनीष गुप्ता, दीपक संथालिया, निशांत गुप्ता, अभिनय सिंह ने हाई स्कूल मैदान पहुंचकर सभी प्रवासियों के बीच बिरयानी और पानी का बोतल दिया। क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के तरफ से पहले जो यहाँ के गरीब लोग थे उनके बीच में 50 क्विंटल लगभग अनाज का वितरण किया गया था, लगभग 750 पैकेट का। उसके बाद हम लोगों ने पाया कि सरकार की तरफ से अनाज वितरित की जा रही है, उसकी उपयोगिता कम है और बाहर से जो हमारे श्रमिक भाई आ रहे हैं उनको खाने पीने में दिक्कत है होटल बंद होने की वजह से। इसलिए विगत 5 दिनों से हम लोग जगह जगह पे घूम के जहाँ पे भी श्रमिक भाई मिलते हैं उनको बिरयानी और पानी बांट रहे हैं और रोज़ हमारे क्लब की तरफ से 100 पैकेट बच रहा है। आज हम लोग बस स्टैंड आए थे तो बस तो हमें नहीं मिली, लेकिन यहाँ जितने भी लोग श्रमिकों को पहुँचाने में लगे हुए हैं, बस के ड्राइवर और स्टाफ, उन लोगों के बीच में हमने 50 पैकेट का लगभग वितरण कर दिया है। और ये जो हमारा कार्यक्रम है लगभग 1-2 महीना तक चलेगा और इसमें हम लोग सब आपसी सहयोग से कर रहे हैं। क्लब का फंड बिल्कुल इसमें यूज नहीं किया जा रहा है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर कुछ इस तरह की परेशानी हो रही हो किसी क्वारंटाइन सेंटर में
तो हम लोगों को सूचित करें, हम लोग वहाँ जाकर भी भोजन मुहैया करवाएंगे। रोटरी ग्रीडी ग्रेटर की ओर से लगातार प्रवासी मजदूरों के लिए खाना तैयार किया करवाया जा रहा है और ये वितरित किया जा रहा है। जैसे कल सूरत से आए थे मजदूर, उनके बीच बांटा गया, आज मुंबई से आए थे उनके बीच वितरण किया गया, और बस के जो स्टाफ हैं, बस स्टाफ उन लोगों के बीच आज वितरण किया गया है, और जो बचा हुआ है अभी मटरूखा क्वारंटाइन सेंटर में जाना है, जाके वहाँ पर देंगे। शांति भवन की सदस्याएं लॉकडाउन को देखते हुए दीनहीन की सेवा में निरंतर जुटी हुई है। गुरुवार को शांति भवन की ओर से सदर अस्पताल में इलाजरत मरीजों के बीच सूखा राशन बांटा गया। सेवा को लक्ष्य के रूप में लेकर चलने वाली शांति भवन की सदस्याएं लॉकडाउन में दीनहीन की सेवा में निरंतर जुटी हुई है। गुरुवार को शांति भवन की सदस्य पूनम बर्णवाल, रेखा जायसवाल, पाल बाबू ने सदर अस्पताल में पहुंचकर इलाजरत 70 मरीजों के बीच चूड़ा, गुड़, बिस्किट आदि चीजों का वितरण किया। इस मौके पर पूनम बर्णवाल ने कहा कि सभी मरीजों को अगले 3 दिनों का जलपान दिया गया है और आगे भी इसी तरह की सेवा जारी रहेगी। आज सदर हॉस्पिटल में यहाँ जो भर्ती हैं हमारे पेशेंट लोग, उनके बीच में अल्पाहार का सूखा राशन वितरण किया गया। यह शांति भवन की ओर से किया गया और लगातार 3 दिन तक वितरण किया जाएगा। टेंट फ्लावर डेकोरेशन और साउंड यूनियन की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में लॉकडाउन में रियायत दिए जाने की मांग राज्य सरकार से की गई। लॉकडाउन के कारण कई व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद हो गया है। टेंट फ्लावर और साउंड यूनियन से जुड़े लोग इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और इनके लिए सरकार के पास कोई योजना भी नहीं है। टेंट फ्लावर डेकोरेशन और साउंड यूनियन ने संयुक्त बैठक कर लॉकडाउन से उत्पन्न हुई परिस्थिति पर चर्चा किया और राज्य सरकार से लॉकडाउन में रियायत दिए जाने की मांग की है। बैठक में रामजी, संजय सिंह, नरेश राय, विनोद दास, मुश्ताक आलम, सुरेंद्र सिंह आदि लोग उपस्थित थे। जिला साउंड यूनियन में लगभग साउंड क्षेत्र से जुड़े हुए रोजगार करने वाले लोग 1800 के लगभग पंजीकृत हैं, जिनके माध्यम से लगभग 10,000 लोग इस रोजगार से जुड़कर अपना परिवार को चलाते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के कारण में ये रोजगार पूरी तरह से चौपट हो चुका है और आय का साधन पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसके कारण अब भूखे मरने की स्थिति हमारे साउंड यूनियन के कई लोगों के बीच में उत्पन्न हो चुका है और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि जितना संभव होता है आपस में आपसे लोगों मदद करके एक दूसरे का संपर्क करके उनको सहायता पहुंचा रहे हैं, किंतु ये सिचुएशन अब हम लोग के हाथ से बाहर जा रहा है और अगर जो हम लोगों को थोड़ा सा इस रोजगार को चलाने में छूट नहीं मिलता है तो हम लोगों को सड़कों पर आकर भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए हमें जिला प्रशासन से हमारी मांग है कि इस बार लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के दौरान में छोटे मोटे कार्य करने के लिए हम लोगों को परमिशन दें ताकि हम लोगों का जीविका चलता रहे और हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोगों के सामने जो आर्थिक संकट आया है वो कम से कम थोड़ा राहत देने योग्य रहे। इस लॉकडाउन के कारण छोटा व्यवसायी हम लोग साउंड वाले हैं, इसके कारण हम लोगों को बहुत ब्याज पे बैंक से लोन लेके हम लोग धंधा पानी किए, जिसके कारण महाजन से कोई सामान मंगवाए, सामान वगैरह मंगवाए, उसके कारण हुआ क्या, एकाएक लगन भी अच्छा था, हम लोग सोचे कि कर्जा करके कुछ सामान मंगवा लेते हैं, जिसके कारण ब्याज पे या बैंक से लोन लेके हम लोग सामान मंगवा लिए, जिसके कारण अचानक लॉकडाउन आ गया, उसके कारण हम लोग का आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गया है, जिसके कारण कि लोन किस्त वगैरह सब हम लोग को जमा करने में कठिनाई हो रहा है और प्रशासन से हम लोग यही चाहते हैं कि छोटा मोटा काम सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम में नजर रखते हुए हम लोग साउंड लगाने की अनुमति दी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आईसेक्ट विश्वविद्यालय द्वारा ई कोर्स COVID-19 की जानकारी और बचाव पाठ्यक्रम बनाया गया है। इस कोर्स के लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आईसेक्ट विश्वविद्यालय हजारीबाग द्वारा ई कोर्स COVID-19 की जानकारी और बचाव पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इस कोर्स के लिए विद्यार्थी निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यह कोर्स अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों से छात्र छात्राओं को COVID-19 की जानकारी और बचाव के बारे में बताएगा। पाठ्यक्रम के अंत में एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। यह शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन ई कोर्स नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा अप्रूवल है।
इस बाबत आईसेक्ट विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुनीस गोविंद ने कहा कि जो लोग COVID-19 के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बचाव के तरीके जानना चाहते हैं, उनके लिए यह कोर्स बेहद महत्वपूर्ण है। बेगावत प्रखंड क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया और उनके बीच खाद्य सामग्री भी बांटा। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के बेगावत प्रखंड क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण कर प्रवासियों का हालचाल जाना। निरीक्षण के क्रम में सांसद प्रतिनिधि ने प्रवासियों के बीच खाद्य सामग्री भी बांटी। मौके पर प्रमुख राम प्रसाद यादव, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार आदि लोग भी मौजूद थे। आज ताराजोरी पंचायत के लुनिया टाण गांव में यहाँ हम लोगों को सूचना मिली थी कि बाहर से प्रवासी मजदूर हमारे भाई क्वारंटाइन सेंटर में यहाँ रुके हुए हैं। स्थानीय जो निजी विद्यालय, ये सरकारी विद्यालय है, और तो इसी दरमियान माननीय सांसद महोदया के हमारे प्रतिनिधि के द्वारा और हमारे बेंगाबाद उप प्रमुख के द्वारा आज यहाँ पर दौरा किया गया और आवश्यकता अनुसार जो ज़रूरतमंद चीज़ें हमारे सांसद महोदया के प्रतिनिधि जयप्रकाश जी के द्वारा ड्राई फूड एवं अन्य सामान की व्यवस्था की गई है। यह था हमारा आज का, फिर मिलते अगले मुख्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।